रचना बाचन। सिमर न जाते कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरनीम कशी को, कोई मेरे दिल से पूछे को मेरे तेरे तीरनीम कशी को, ये कहाँ से होती ये खलिशी कहाँ से होती, जो जिगर के पारे होता ये खलिशी कहाँ से होती। रग संग से टपकता वो लहू की फिर न थमता, रग संग से टपकता वो लहू की फिर न थमता, जिसे हम समझ रहे हो जिसे हम समझ रहे हो, ये अगर शरार होता फिर न थी हमारी किस्मत के वसाल यार होता। ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता, तुझे हम वली समझते। तिमी संग भेटने हतारो मलाई, तिमी संग भेटने हतारो मलाई, तिमी चाहिँ हल्छौ तगारो मलाई, दिलैको खजाना लुकाएर राख्छौ, दिलैको खजाना लुकाएर राख्छौ, फगत त्यो नजरको झटारो मलाई, तिमी चाहिँ हल्छौ तगारो मलाई, उज्यालो र न्यानो छ संसार तिम्रो, उज्यालो र न्यानो छ संसार तिम्रो, यता माघको यो तुसारो मलाई, यता माघको यो तुसारो मलाई, तिमी संग भेट्ने हतारो मलाई, तिमी संग भेट्ने हतारो मलाई, तिमी चाहिँ हल्छौ तगारो मलाई। जाके परदेश में तूने ये ना सोचा होगा, चाचा जाके परदेश में तूने ये ना सोचा होगा, घर जिसे छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा, घर जिसे छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा, आओ इस आज को हंस बोल के काटे यारो, आओ इस आज को हंस बोल के काटे यारो, कल खुदा जाने कहाँ किसका बसेरा होगा। हजरत गिरामी
एक ऐसे शायर को मैं आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूं कि जो आपके हिफाजत अपने बंदूक से भी करता है, लेकिन आपके दिलजोई आपकी खुशी के खातिर वो अल्फाज को अपनी शायरी को किस तरह से पेश करता है, अल्फाज को किस तरह से पिरोता है। मैं उस शायर का नाम लेना चाहूँगा जनाब कलमी अंजुम साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप माइक डाइस पर तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब कलमी अंजुम साहब, हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। एक गजल सुनाइए। जिसकी जागीर ही सियासत है, जिसकी जागीर ही सियासत है, जिसकी जागीर ही सियासत है, मुल्क उसकी ही तो विरासत है, मुल्क उसकी ही तो विरासत है, जिसकी जागीर ही सियासत है। भूलते हो तो भूल जाओ तुम, भूलते हो तो भूल जाओ तुम, याद रखने की अपनी आदत है, जागीर जिसकी सियासत है। बात करना यूं उससे मुश्किल है, बात करना यूं उससे मुश्किल है, उसके हर लफ्ज में नजाकत है, उसके हर लफ्ज में नजाकत है, जिसकी जागीर ही सियासत है। मुबीन भाई, सर है सजदे में दिल गुनाहों में, सर है सजदे में दिल गुनाहों में, बस दिखावे की ही इबादत है, जिसकी जागीर ही सियासत है। सर है सजदे में दिल गुनाहों में, सर है सजदे में दिल गुनाहों में, बस दिखावे की ही इबादत है, जिसकी जागीर ही सियासत है। नींद में भी सुकून मुश्किल है, नींद में भी सुकून मुश्किल है, ख्वाब में भी बपा कयामत है, जिसकी जागीर ही सियासत है, मुल्क उसी की ही तो विरासत है। हमने देखा है कुछ अदीबों में, हमने देखा है कुछ अदीबों में, हमने देखा है कुछ अदीबों में, जिसकी हर बात में सियासत है, जिसकी जागीर ही सियासत है, मुल्क उसकी ही तो विरासत है। तू तो कुछ भी नहीं है ऐ अंजुम, तू तो कुछ भी नहीं है ऐ अंजुम, जो भी है रब की ही इनायत है, जो भी है रब की ही इनायत है, जिसकी जागीर ही सियासत है, मुल्क उसकी ही तो विरासत है। धन्यवाद जनाब कलीम अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दरमियान में कुछ और मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। नेहू बजाचार्य जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुरारी सिद्देल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मीन रतन बजाचार्य जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। शरद चंद बस्ती जी, दीपक खरेल जी, गौरी मल्ला साहिबा, सचिदानंद मिश्रा जी, कभी राहत इंदौरी ने कहा था, कभी दिल कभी दिमाग कभी जिगर में रहो,
ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। इन्हीं लफ्जों के साथ में मैं एक खूबसूरत शायरा बड़े लतीफ अंदाज में अपनी शायरी अपने कलाम को पेश करती हैं, जनाबे सकीना खान साहिबा, मैं आपसे आपको आवाज़ दूंगा कि आपको शुरू करें। आज गालिब का दिन मनाया जा रहा है, तो मैं सबसे पहले एक शेर कहकर गालिब मिर्ज़ा असदुल्लाह खान को खराज अकीदत अदा करना चाहती हूँ। उनका एक शेर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। इसके साथ ही मैं अपनी एक गज़ल पेश करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगी। जब कभी ख्यालों में उनसे मुलाकात होती है, जब कभी ख्यालों में उनसे मुलाकात होती है, मेरी ज़ात होती है बस उनकी ज़ात होती है। जब कभी ख्यालों में उनसे मुलाकात होती है, मेरी ज़ात होती है बस उनकी ज़ात होती है। नींद मेरी आँखों से रूठ सी गई है, नींद मेरी आँखों से रूठ सी गई है। इन दिनों अजब सी अपनी रात होती है, मेरी ज़ात होती है बस उनकी ज़ात होती है। दिल तड़प ही उठता है सोच करके माजी को, दिल तड़प ही उठता है सोच करके माजी को। मेरे सामने जब भी उनकी बात होती है, मेरी ज़ात होती है बस उनकी ज़ात होती है। जब कभी ख्यालों में उनसे मुलाकात होती है, मेरी ज़ात होती है बस उनकी ज़ात होती है। कौन जाने दिल के किस पे क्या गुजरती है, कौन जाने दिल के किस पे क्या गुजरती है। प्यार में जब भी कभी किसी की मात होती है, कौन जाने दिल के किस पे क्या गुजरती है, कौन जाने दिल के किस पे क्या गुजरती है। प्यार में जब भी कभी किसी की मात होती है, मेरी ज़ात होती है बस उनकी ज़ात होती है। कोई साथी नहीं इस बड़ी दुनिया में, कोई साथी नहीं इस बड़ी दुनिया में, सिर्फ मेरी परछाई ही मेरे साथ होती है, मेरी ज़ात होती है बस उनकी ज़ात होती है। जब कभी ख्यालों में उनसे मुलाकात होती है, मेरी ज़ात होती है बस उनकी ज़ात होती है। आखिरी शेर कुछ यूँ है, जंग जैसी जारी है ऐ सकीना इस दिल में, जंग जैसी जारी है ऐ सकीना इस दिल में। ख्वाहिशों की जब भी मेरी वफात होती है, मेरी ज़ात होती है बस उनकी ज़ात होती है। जब भी ख्यालों में उनसे मुलाकात होती है, मेरी ज़ात होती है बस उनकी ज़ात होती है। शुक्रिया। बड़े खुश नसीब लोग हैं जो खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत शायरा, कितना हसीन इम्तिजाज। चौधरी साहब, अजी ये जाहो हशम तख्त ताज ले करके, अजी ये जाहो हशम तख्त ताज ले करके, मैं क्या करूंगा फकीरी में राज ले करके। निकाल दे दिया कशकोल में ज़कात-ए-हुनर। अमीर शहर भी खुश है खराज ले करके। हमारे दरमियान में एक शायर नेपाली के एक मोतबर शायर मौजूद हैं, करुण थापा साहब, मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि आप डैस पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामेन को नमाजें। करुण थापा साहब, टोपी किन निकालेको भन्नु होला, टोपी निकालेन भने मलाई चिन्दै चिन्दैन। एउटा मतला र दुई शेर
भन्छु पहिला, त्यसपछि म गजल सुनाउँछु। त्यो चाहिँ गालिबलाई समर्पित। जब समयले मार्न तरबार देखायो, जब समयले मार्न तरबार देखायो, जिन्दगीले बाँच्नै पर्ने करार देखायो। जब समयले मार्न तरबार देखायो, जिन्दगीले बाँच्नै पर्ने करार देखायो। कति सुन्दर छ यो जीवन भन्दै थियो एउटा, कति सुन्दर छ यो जीवन भन्दै थियो एउटा, अर्कोले चाहिँ खरानी र अङ्गार देखायो, अर्कोले चाहिँ खरानी र अङ्गार देखायो। यो गालिबलाई समर्पित भएको हुनाले, शेर फुर्ने शेर फुर्ने मुहान देखाऊ भने सबैले, शेर गजलको शेर फुर्ने मुहान देखाऊ भने सबैले, करुणले चाहिँ गालिब पनि गुलजार देखायो, करुणले चाहिँ गालिबहरू गुलजार देखायो। घरभित्र कोही थियो सङ्घारमा कोही रहेछ, घरभित्र कोही थियो सङ्घारमा कोही रहेछ, मुटुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ। यो निधार देखाएको त्यसकारण हो। घरभित्र कोही थियो सङ्घारमा कोही रहेछ, मुटुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ, छाया आफ्नो साथ साथ, छाया आफ्नो साथ साथ देख्दा आज लाग्यो मलाई, छाया आफ्नो साथ साथ, छाया आफ्नो साथ साथ देख्दा आज लाग्यो मलाई, मेरो पनि आफ्नो भन्ने संसारमा कोही रहेछ। छाया आफ्नो साथ साथ देख्दा आज लाग्यो मलाई, आफ्नो पनि मेरो पनि आफ्नो भन्ने संसारमा कोही रहेछ। मर्न लाम लागेको थिएँ मेरो अघि कोही घुस्यो, मर्न लाम लागेको थिएँ मेरो अघि कोही घुस्यो, बुझेँ मैले म भन्दा नि हतारमा कोही रहेछ। मर्न लाम लागेको थिएँ मेरो अघि कोही घुस्यो, बुझेँ मैले म भन्दा नि हतारमा कोही रहेछ, मेरो इमान बिक्ने छैन भन्थे फुर्ती लगाएर, मेरो इमान बिक्ने छैन भन्थे फुर्ती लगाएर, मेरो इमान बिक्ने छैन भन्थे फुर्ती लगाएर, मलाई किन्न सक्ने पनि बजारमा कोही रहेछ। मेरो कोही छैन भनी डुबी मरे मझधारमा, मेरो कोही छैन भनी डुबी मरे मझधारमा, मेरो कोही छैन भनी डुबी मरे मझधारमा, मेरो लागि मर्न खोज्ने किनारमा कोही रहेछ। मेरो कोही छैन भनी डुबी मरे मझधारमा, मेरो लागि मर्न खोज्ने किनारमा कोही रहेछ, बाँचेको र मरेकोमा फरक के छ भन्दै थियो, बाँचेको र मरेकोमा फरक के छ भन्दै थियो, करुण जस्तो अरू पनि दुधारमा कोही रहेछ, करुण जस्तो अरू पनि दुधारमा कोही रहेछ, छाया आफ्नो साथ साथ देख्दा आज लाग्यो मलाई, मेरो पनि आफ्नो भन्ने संसारमा कोही रहेछ, अङ्गारमा कोही रहेछ, मुटुभित्र कोही थियो निधारमा कोही रहेछ। काम का आशा होना आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, वाय दीवानगी है शौक की हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरा होना, आप जाना उधर और आप ही हैरा होना। मैं इससे पहले कि एक बेहतरीन शायर हमारे दरमियान में मौजूद हैं, नौजवान शायर, बेहतरीन शायर, ये अलग बात है कि आप
उनके बालों को देखकर अंदाज़ा ना लगाएं कि वो बुज़ुर्ग हैं, वो बिल्कुल जवान शायर हैं और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में शायरी करते हैं, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं, बहुत ही लतीफ़ अंदाज है। मैं उनको इन शेरों के साथ आवाज़ दूंगा कि पहले आँखों में कोई ख्वाब सजाया जाए, पहले आँखों में कोई ख्वाब सजाया जाए, फिर गुल ओ लाला को गुलशन में खिलाया जाए। इश्क उल्फत की हर एक आन बिखेरे खुशबू, इश्क उल्फत की हर एक आन बिखेरे खुशबू, एक घर उदा कोई ऐसा भी बनाया जाए। मोहतरम जमशेद अंसारी साहब, मैं आपको आवाज देता हूँ, आप दाइस पर तशरीफ लाएं। जमशेद अंसारी साहब, मतलब देखिएगा, पहली बार मैंने रिवायती गजल कहने की कोशिश की है कि वो अपने नाजो अदा दिखाते कभी तो आते, कि वो अपने नाजो अदा दिखाते कभी तो आते, उसी तरह फिर मुझे सताते कभी तो आते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि वो अपने नाजो अदा दिखाते कभी तो आते, उसी तरह फिर हमें सताते कभी तो आते, और कभी झगड़ते कभी बिगड़ते कभी अकड़ते, कि कभी झगड़ते कभी बिगड़ते कभी अकड़ते, कभी हंसाते कभी रुलाते कभी तो आते, कि कभी हंसाते कभी रुलाते कभी तो आते, और मैं एक भटका हुआ मुसाफिर तुम्हारी खातिर, कि मैं एक भटका हुआ मुसाफिर तुम्हारी खातिर, कि मेरी मंजिल मुझे दिखाते कभी तो आते, कि मेरी मंजिल मुझे दिखाते कभी तो आते। और ये शेर देखिएगा कि तुम्हारी यादों में तन बदन मेरा जल रहा है। चित्र अंकल देखिएगा कि तुम्हारी यादों में तन बदन मेरा जल रहा है, घटा मोहब्बत की बन के छाते कभी तो आते, कि तुम्हारी यादों में तन बदन मेरा जल रहा है, घटा मोहब्बत की बन के छाते कभी तो आते, और बिछड़ के तुमसे मैं जी रहा हूँ न मर रहा हूँ, कि बिछड़ के तुमसे न जी रहा हूँ न मर रहा हूँ, ऐ काश तुम भी ये देख पाते कभी तो आते, कि बिछड़ के तुमसे मैं जी रहा हूँ न मर रहा हूँ, ऐ काश तुम भी ये देख पाते कभी तो आते। बहुत शुक्रिया। और बड़ा सुकून था हमारे दिल को तुम्हारे दिल में, कि बड़ा सुकून था हमारे दिल को तुम्हारे दिल में, कि फिर से दिल से वो दिल मिलाते कभी तो आते, कि फिर से दिल से वो दिल मिलाते कभी तो आते, और समझ में आता गजल हमारी है किसकी खातिर, कि समझ में आता गजल हमारी है किसकी खातिर, जो मेरे शेरों को गुनगुनाते कभी तो आते। बहुत शुक्रिया। कि जो मेरे शेरों को गुनगुनाते कभी तो आते, और बहुत कठिन है बिना तुम्हारे गुजर हमारा, कि बहुत कठिन है बिना तुम्हारे गुजर हमारा, बहुत कठिन है बिना तुम्हारे गुजर हमारा, तुम आते मिलने तो देख पाते कभी तो आते, और जो तुम नहीं हो तो बिखरा बिखरा है घर हमारा, जो तुम नहीं हो तो बिखरा बिखरा है घर हमारा, उजाड़ घर मेरा फिर सजाते कभी तो आते, और यकीन होगा कि किस कदर तुमको चाहता हूँ, कि यकीन होगा कि किस कदर तुमको चाहता हूँ, मुझे मोहब्बत में आजमाते कभी तो आते, और मगता है कि वफा शियारी में तुम सा कोई नहीं जहाँ में, वफा शियारी में तुम सा कोई नहीं जहाँ में, यकीन जमशेद को दिलाते कभी तो आते। बहुत शुक्रिया। निशान बन जाए
यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। और हमारा मुल्क में बहुत ही कसीदगी के साथ जिस तरीके से करवटें ले रहा है कि परिंदों को मंजिल मिले, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं वही लोग अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हमारे डायस पर मौजूद तमाम ऐसे हुनरमंद, हमारे शायर, हमारे अदीब बैठे हुए हैं। हाय ऐ धैरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए, हाय अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए, अब जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे रोज बदलते हैं निकाबों की तरह, जो चेहरे रोज बदलते हैं निकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। जमाना कुछ भी कहे, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर, जिसे जमीर न माने उसे सलाम न कर। खतरा हमारे मुल्क को तेरी नियत से है, खतरा हमारे मुल्क को तेरी नियत से है, अपने आमाल को बदल हमें बदनाम न कर। आज मुल्क में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, एक मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। सरे महफिल निगाहें मुझ पर जो पड़ी हैं, सरे महफिल निगाहें मुझ पर जो पड़ी हैं, निगाहों के मायने से वो चेहरे याद रखता हूँ। जरा सा हट के चलता हूँ जमाने से रिवायत से, जरा सा हट के चलता हूँ जमाने से रिवायत से, कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तलख बातों का, यूं तो मैं भूल जाता हूँ खराशें तलख बातों का, मगर जो जख्म गहरे दे वो चेहरे याद रखता हूँ। और साथ ही बस आखिरी चलो माना कि मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, चलो माना कि मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। हवा जब तक है तब तक दोस्ती रखना, हवा जब तक है तब तक दोस्ती रखना, हवा जब आधी बन जाए तो बगावत भी जरूरी है, बगावत भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सराज फारूकी साहब। मैं अपने इन अशार के साथ एक खूबसूरत शायरा को आवाज़ देना चाहूँगा जो आकर के यहाँ का माहौल बदल दे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर सुस्ती आ रही है, क्योंकि जो गर्मी महसूस होनी चाहिए मैं गर्मी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। कभी शौक शीरी कभी हीर लिख दूँ, उसका चेहरा देख लीजिएगा, कभी शौक शीरी कभी हीर लिख दूं
तुझे अपने ख्वाबों की ताबीर लिख दूं, कभी शौक शीरी कभी हीर लिख दूं, तुझे अपने ख्वाबों की ताबीर लिख दूं, ऐ जाने गजल आजकल सोचता हूँ, ऐ जाने गजल आजकल सोचता हूँ, तेरे मुसफ़े रुख की तफसीर लिख दूं। ये माना तू ही खुशनुमा फूल सी है, ये माना तू ही खुशनुमा फूल सी है, तेरे ज़र्ब नैना को शमशीर लिख दूं, तेरे ज़र्ब नैना को शमशीर कर दूं। इन्हीं अशार के साथ में मैं मोहतरमा डॉक्टर श्वेता दीप्ति साहबा को आवाज़ दूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम को पेश करें। मोहतरमा डॉक्टर श्वेता दीप्ति साहब। शुक्रिया मोमिन जी। गालिब, एक शख्सियत उससे बढ़कर कहीं एहसास, जो जिंदा है हर उस दिल में जहाँ प्यार है, इकरार है, इंतजार है, और मुझे लगता है ये सब दिलों में है, इसलिए गालिब जिंदा है हम सब के दिलों में। बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई गालिब, बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई गालिब, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। यूँ तो मोमिन जी ने बहुत कुछ मेरे लिए कह दिया, पर आप सभी के सामने शायद मैं कुछ भी नहीं, इस नाजिश को इतना अवसर आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँ उर्दू एकेडमी की। एक कोशिश, गलतियाँ होंगी, फिर भी क्षमा के साथ आपकी नज़र। तेरे कदमों में अपनी जान हम लुटा देते, जो तबीयत से कभी तुमने बुलाया होता, तेरे कदमों में अपनी जान हम लुटा देते, जो तबीयत से कभी तुमने बुलाया होता, चांद को अपने सिराने हम सजा लेते, चांद को अपने सिराने हम सजा लेते, जो किसी रात को तुमने जगाया होता, जो किसी रात को तुमने जगाया होता, जो तबीयत से कभी तुमने बुलाया होता, आहट तेरे आने की हम जान लेते, आहट तेरे आने की हम जान लेते, जो अपने दिल बसाया होता, जो अपने दिल में हमें तुमने बसाया होता, तेरी यादों के चरागों को हम जला लेते, तेरी यादों के चरागों को हम जला लेते, जो एक रोशनी उम्मीद की दिखाया होता, जो तबीयत से कभी तुमने बुलाया होता, इस जमाने की बंदिशों को हम दगा देते, इस जमाने की बंदिशों को हम दगा देते,
जो तबीयत से कभी तुमने बुलाया होता। शुक्रिया। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। एक चीज कहीं ना कहीं आप लोग कंजूसी से काम कहे को ले रहे हैं, वाह वाह कहने में पैसा थोड़ा ना लगता है। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। इन्हीं अल्फाज के साथ में अपने दरमियान मेरे दोस्त मेरे रकीब मोहतरम इजहार मिकरानी साहब को मैं आवाज देता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने मुनफरिद अंदाज में गजल को पेश करें। मोहतरम इजहार मिकरानी साहब। तो अर्ज किया है कि वो जो मिलता है सरे राह हबीबों की तरह, वो जो मिलता है सरे राह हबीबों की तरह, दोस्त हबीबों की तरह, है अमल उसका मेरे साथ रकीबों की तरह, है अमल उसका मेरे साथ। वो जो मिलता है सरे राह हबीबों की तरह, है अमल उसका मेरे साथ रकीबों की तरह। और अर्ज यूं किया है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है बदनाम ज़माना भी है, वो मेरा दोस्त है बदनाम ज़माना भी है, वो मेरा दोस्त है बदनाम ज़माना भी है, शहर में फिर भी निकलता है शरीफों की तरह, शहर में फिर भी निकलता है शरीफों की तरह। वो मेरा दोस्त है बदनाम ज़माना भी है, वो मेरा दोस्त है बदनाम ज़माना भी है, शहर में फिर भी निकलता है शरीफों की तरह। और अर्ज़ किया है कि उसके किरदार में, उसके किरदार में रफ्तार में बेढंगी है, मादरत के साथ के उसके किरदार में रफ्तार में बेढंगी है, किसी की नजर कर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं इस शेर को अपने रकीब ख़ास की नज़र करना चाहता हूँ। उसके किरदार में रफ्तार में बेढंगी है, बात करता है मगर फिर भी अदीबों की तरह, बात करता है मगर फिर भी अदीबों की तरह, वो जो मिलता है सरे राह हबीबों की तरह, है अमल उसका मेरे साथ रकीबों की तरह। और ये शेर अर्ज करता हूँ ख़ास तौर से अपने रकीब के लिए ही, कि इश्क की राह में घायल है परिंदे की तरह, इश्क की राह में घायल है परिंदे की तरह, इश्क की राह में घायल है परिंदे की तरह, दर्द दिल में लिए फिरता है मरीजों की तरह, दर्द दिल में लिए फिरता है मरीजों की तरह। शुक्रिया शुक्रिया। इश्क की राह में घायल है परिंदे की तरह, दर्द दिल में लिए फिरता है मरीजों की तरह, हर तरफ जिसकी अमीरी के बड़े चर्चे हैं, हर तरफ जिसकी अमीरी के बड़े चर्चे हैं, हर तरफ जिसकी अमीरी के बड़े चर्चे हैं, बज़्म में यारा में वो रहता है गरीबों की तरह, बज़्म में यारा में वो रहता है गरीबों की तरह, बज़्म में यारा में वो रहता है गरीबों की तरह। और ये शेर ख़ास तौर से मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि मैं तो इजहार करूँगा सदा सच्चाई का, मैं तो इजहार करूँगा सदा सच्चाई का, दार कोई भी सजा ले सलीबों की तरह, दार कोई भी सजा ले तू सलीबों की तरह, वो जो मिलता है सरे राह
حبیبوں کی طرح، ہے عمل اس کا میرے ساتھ رقیبوں کی طرح۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک خوبصورت غزل، میرے حبیب میرے رقیب میرے دوست جناب اظہار مکرانی پیش کر رہے تھے۔ ہمارے دوسرے دور کا آغاز ہونا ہے، جو ہم جس کو ہمارے مختلف گلوکار یہاں پر موجود ہیں، جو اپنے فن سے آپ کا دل فریبی کریں گے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ سنا صاحب، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا۔ اب میں آپ کے سامنے اس نیپال کے ایک معتبر شخصیت، معتبر شاعر، محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر سنت کمار وسطی صاحب کو پیش کرنا چاہوں گا۔ وسطی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے سلام سے سامعین کو نوازیں۔ یہ نہ تھی ہم اگر اور جیتے رہتے، یہی انتظار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ میلے یہاں بولے رہا کابیہ سناؤنا لگ رہا، دیدی آئی پونو آئے کچھا نیپال کو سب بھا بہترین کبھی جس ہمیں سنسکرت کو مہا کبھی کالی داس سنگ تلنا کرچوں، اردو کو غالب سنگ تلنا کرچوں، کبھی شیرومنی لیکھناتھ پوڑیال، وہاں کی ناتینی ڈاکٹر پرتیبھا پانڈیا ان کا مواگت۔ شیرومنی لیکھناتھ پوڑیال کے دو پنکتی چار پنکتی سنا من لگو، مجھے من پڑنے تی کبتا دیدی ٹھیک ہے۔ चुडिएको चङ्गा सित ए चङ्गा जात जाजा ढुलमुल नगरी सर अक्कासिँदै जा, स्वर गंगा का मसीना जल कणहरूको माधुरी केही लिँदै जा, बाटोमा निर्जरीका चपल नयनको दिव्य तारो हुँदै जा, दायाँ बायाँ नहेरी पर पर उपरै सोझिँदै सोझिँदै जा, पर्दा छेडी हवाको अलख पथली बेसरी भित्रिँदै जा, यो धागो यो लटाई लटपट सब यो बिर्सिँदै बिर्सिँदै जा, देखुन यदुवा न देखुन गतिविधिहरूले मस्त आफू हुँदै जा, जाँदा जाँदै अगम त्यो गगन कुहरको केन्द्रमालीन भइजा। यो संयोग यस्तो परेको छ, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। दिलभित्र दरुद घोली कति हस्नु ओठ खोली, दिल भित्र दर्द घोली कति हसनु ओठ खोली, खुशियाली बन्दकी मै राखे रे यो शहरमा,
कसलाई खो चमनले थाकेर यो शहरमा आए छ कुन्नी कसले डाकेर यो शहरमा के नथी हमारी किस्मत के विशाल यार होता अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मिर्जा गालिब को समस्त जीवन पीड़ा में दुख में बितेको छ। म सधैं गालिबलाई सम्झदाखेरि आँखा रसिलो हुन्छ। अनन्त पीडाहरूको भण्डार सबै कुरा पचाएर त्यसलाई काव्य सुधाको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यही गालिबको जमिनमा यो गजल म सुनाउँदैछु। कसलाई खोज्छ मनले, सुन्दै हुनुहुन्छ नि, मज्जाले, कसलाई खोज्छ मनले थाकेर यो शहरमा आए छ कुन्नी कसले डाकेर यो शहरमा दिल भित्र दर्द खोली कति हँस्नु ओठ खोली दिल भित्र दर्द बोली कति हँस्नु ओठ खोली खुशियाली बन्दकी मै राखेर यो शहरमा बेचैनी बढ्छ ज्यादा बेचैनी बढ्छ ज्यादा मन प्राण हुन्छ आधा बेचैनी बढ्छ ज्यादा मन प्राण हुन्छ आधा अपमान मात्र तितो चाखेर यो शहरमा कसलाई खोज्छ मनले थाकेर यो अर्को शेर स्वार्थी छ चाल चर्को बोलिन्छ बोली अर्को स्वार्थी छ चाल चर्को बोलिन्छ बोली अर्को आवाज भित्री मनको ढाकेर यो शहर स्वार्थी छ चाल चर्को बोलिन्छ बोली अर्को आवाज भित्री मनको ढाकेर यो शहरमा कसलाई खोज्छ मनले थाकेर यो गालिब साहबको खोजी गरिरहेको हुन्छ मनले जहाँ पुगेपछि पीडाले अलिकति मरम पाउँछ उहाँलाई नै यो समर्पित हो। अर्को शेरमा जान्छु म अन्तमा जब प्राण जल छ तनमा यही प्रश्न उठ्छ मनमा जब प्राण जल छ तनमा यही प्रश्न उठ्छ मनमा किन आइए छ व्यर्थै किन आइए छ ज्यानै फ्याँकेर शहरमा कसलाई खोज्छ मनले ना जाया करो मैं भी बन जाऊं एक शोक चंचल गजल मैं भी बन जाऊं एक शोक चंचल गजल शौक से तुम मुझे गुनगुनाया करो।
दफतन टूट जाए, दफतन टूट जाए जो घुंघरू सनम, दफतन टूट जाए जो घुंघरू सनम, मेरे पाजेब की बन भी जाया करो। मेरी ख्वाहिश यही, मेरी ख्वाहिश यही दरमियाँ कुछ ना हो, मेरी ख्वाहिश यही दरमियाँ कुछ ना हो, जब भी नैनों से नैना मिलाया करो। राख हो जाऊं मैं, राख हो जाऊं मैं जल के तेरे लिए, राख हो जाऊं मैं जल के तेरे लिए, चाहतों के दिए जब जलाया करो। मेरे आंखों की काजल, मेरी आंखों की काजल भी बन जाओ तुम, मेरी आंखों की काजल भी बन जाओ तुम, हाथों मेरे हाथों की मेहंदी सजाया करो। आखिरी गजल, रुट जाऊं अगर मैं, रुट जाऊं अगर मैं किसी बात पर, रुट जाऊं अगर मैं किसी बात पर, सजदा तुम मुझे भी मनाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया शायरा साजिदा खान साहिबा, अपने खूबसूरत अंदाज से सामईन आपको महजूज फरमा रही थी। सभी खदशात का एक दिन इजाला हो भी सकता है, चाचा सभी खदशात का एक दिन इजाला हो भी सकता है, जो काफिर है वो अल्लाह वाला हो भी सकता है, जो काफिर है वो अल्लाह वाला हो भी सकता है, जो तर्ज फिक्र भी बदले अमल के साथ में साकिब, जो तर्ज फिक्र भी बदले अमल के साथ में साकिब, हमारा मर्तबा ऊंचा वाला हो भी सकता है, हमारा मर्तबा ऊंचा वाला हो भी सकता है। हमारे दरमियान में मोहतबर शख्सियत, मोहतबर शायर जनाब खालिद मोहसिन साहब मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामने करवा सकें। हमारे मुबीन भाई ने बड़ा अजीब सा चश्मा लगाया जिससे इनको सिर्फ खवातीन ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। मैं बल्कि आप लोग भी कसम उठा सकते हैं कि किसी एक मर्द को इन्होंने खूबसूरत नहीं कहा, हालांकि कितने मर्द हैं जिन्होंने खूबसूरत ड्रेसेस, आप सरोज कुमार जी को देखें, चेतन चाचा को, सभी को, लेकिन ये देखिए आप, ये इनकी ज्यादती है, इस पर हम एहतजाज करते हैं। तो इस महफिल में दो चचा मौजूद हैं, चेतन चाचा और गालिब चचा, तो उन दोनों की इजाजत से कुछ। कहा शायर है गालिब सा, कहा शायर है गालिब सा कि शायर है तो गालिब है, कहा शायर है गालिब सा कि शायर है तो गालिब है, नहीं उर्दू का शायर वो मगर दिल पे वो गालिब है, नहीं उर्दू का शायर वो मगर दिल पे वो गालिब है, नहीं जाना कोई उसको उसे अपने जमाने में, नहीं जाना कोई उसको उसे अपने जमाने में, मगर खुद है जमाना वो जमाने पे वो गालिब है, मगर खुद है जमाना वो जमाने पे वो गालिब है। यूं दिल से शरद कुमार जी कलम बैठे हुए थे और रियाज सुन रहे थे, आपकी आंखें भर आई, उस पे एक शेर है। यूं दिल से बात करता है कि नम आंखें भी करता है, यूं दिल से बात करता है कि नम आंखें भी करता है, कभी धड़के तो गालिब है कभी टपके तो गालिब है, कभी धड़के तो गालिब है कभी, यूं दिल से बात करता है कि नम आंखें भी करता है, वो दिल से बात करता है कि नम आंखें भी करता है, कभी धड़के तो गालिब है कहीं टपके तो गालिब है, कभी करता है पेचीदा, कभी पेचीदा कहते हैं मुश्किल को, नेपाली में गारो कहते हैं जिसको,
तो कभी करता है पेचीदा बहुत आसान सवालों को, कभी करता है पेचीदा बहुत आसान सवालों को, कभी दुश्मार लम्हों से निकाले हल तो गालिब है, कभी दुश्मार लम्हों से निकाले हल तो गालिब है, यूं कहने को तो कह ले सब मगर गालिब कहे जब भी, यूं कहने को तो कह ले सब मगर गालिब कहे जब भी, तो फिर लगता है कातिल है, तो फिर लगता है कातिल है, नहीं लगता वो गालिब है, तो फिर लगता है कातिल है, नहीं लगता वो गालिब है। और ये शेर मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त आए हुए हैं हरी जी और विवेक जी, उनकी नजर है ये शेर। मुझे गालिब सितारों में चमकता चांद दिखता है, मुझे गालिब सितारों में चमकता चांद दिखता है, मगर सूरज भी कहता है कि रोशन है तो गालिब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे गालिब सितारों में चमकता चांद दिखता है, मगर सूरज भी कहता है कि रोशन है तो गालिब है। और आखिरी शेर देखिए, पढ़ा है जौक को मैंने तो मोमिन भी, मोमिन को भी समझा है, पढ़ा है जौक को मैंने तो मोमिन को भी समझा है, नतीजा बस निकाला ये कि शायर है तो गालिब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नतीजा बस निकाला ये कि शायर है तो गालिब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ गजल के साथ एक गजल है इसके बाद। अरे हमारी आवाज कहाँ आप जैसी। अभी जब अजनबी तू था, इसको दिल से सुनिए आपको तरन्नुम लगेगा। अभी अभी जब अजनबी तू था, अभी जब तू पराया था, तभी मेरे ख्यालों पे तेरा जादू था साया था, तभी मेरे ख्यालों पे तेरा जादू था साया था, और पलट कर देख लेते ना मेरे साथी जरा पीछे, पलट कर देख लेते ना मेरे साथी जरा पीछे, तुझे इतनी खबर रहती तुझे किसने बुलाया था, पलट कर देख लेते ना मेरे साथी जरा पीछे, तुझे इतनी खबर रहती तुझे किसने बुलाया था। मेरा वो ख्वाब भी जाना, ये मेरे ख्याल के साथ चलिएगा आप। मेरा वो ख्वाब भी जाना, मुझे वापस तू लौटा दे, मेरा वो ख्वाब भी जाना, मुझे वापस तू लौटा दे, तेरे पहलू में तकिया था उसी पे तो सुलाया था, तेरे पहलू में तकिया था उसी पे तो सुलाया था, अरे वो सब दिखावा था तुम्हें बस यूं सताना था, अरे बस वो दिखावा था तुम्हें बस यूं सताना था, वो एक नाकाम कोशिश थी कहां दिल से भुलाया था, वो एक नाकाम कोशिश थी कहां दिल से भुलाया था, और गजब की थी रवानी भी और बातें झूठ भी सारी, गजब की थी रवानी भी और बातें झूठ भी सारी, लबों पे झूठ भी उसके मगर कैसा खुदाया था। और मत्ता का शेर देखिए, करो वादा वफा मोहसिन उसे तुम भूल जाने का, करो वादा वफा मोहसिन उसे तुम भूल जाने का, मगर वादा वफा करना तुम्हें किसने सिखाया था। बहुत शुक्रिया। अभी इस मुशायरे को जो चार चांद लगा रहे थे अपनी निजामत के हवाले से, मोहतरम साकिब हारूनी साहब, वो भी एक बहुत बेहतरीन शायर हैं, और वो अपने आप को किस तरह से दावत देते, क्या शेर पढ़ते, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनके लिए गालिब का शेर पेश कर दूँ कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। इसी शेर के साथ मैं दावत देता हूँ मोहतरम साकिब हारूनी साहब को, जहाँ आए अपने कलाम से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी साहब, ये इजाज़ हासिल कर रहा हूँ, एक दुआइया गज़ल है मैं चाहता हूँ पेश करूँ।
جناب صدر مجلس، صدر مشاعرہ، مہمان خصوصی چیتن کارکی صاحب، مہمان اعزازی بسنت چودھری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سنت کمار وستی صاحب، شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمایا۔ اے خدائے جہاں، اے خدائے جہاں، جب خدائی بھی دے، اے خدائے جہاں، جب خدائی بھی دے، ہاتھ میں دے قلم روشنائی بھی دے، ہاتھ میں دے قلم روشنائی بھی دے۔ اے خدائے جہاں، جب خدائی بھی دے، راہ حق سے بھٹک میں لا جاؤں کہیں، راہ حق سے بھٹک میں لا جاؤں کہیں، کچھ حقیقت سے اب آشنائی بھی دے، کچھ حقیقت سے اب آشنائی بھی دے۔ اے خدائے جہاں، تو خدائی بھی دے، اے خدائے جہاں، جب خدائی بھی دے۔ اور یہ خاص طور سے یہ مشرا چودھری صاحب میں آپ کی نظر کرتا ہوں، سیمی صاحب میں آپ کی بھی نظر کرتا ہوں۔ تو بصیرت بھی ایسی عطا کر مجھے، تو بصیرت بھی ایسی عطا کر مجھے، بند آنکھیں بھی ہو تو دکھائی بھی دے، بند آنکھیں بھی ہو تو دکھائی بھی دے، ہاتھ میں دے قلم روشنائی بھی دے۔ اے خدائے جہاں، جب خدائی بھی دے، جب کروں میں طواف حرم ایک دن، جب کروں میں طواف حرم ایک دن، پھر اذان بلالی سنائی بھی دے، پھر اذان بلالی سنائی بھی دے۔ ہمارے کیئر فاؤنڈیشن کے کوشادھیکش جناب انور شاہ صاحب اور سچو سلام الدین صاحب موجود ہیں، میں آپ کو یہ شعر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ غزل کا شعر ہے چودھری صاحب۔ قید کر لے تو زلف گرہ گیر میں، جس کو کہہ رہا ہوں سمجھ جائیں گے آپ سے آپ۔ قید کر لے، قید کر لے تو زلف گرہ گیر میں، قید کر لے تو زلف گرہ گیر میں، اس سے پہلے کہ جب تو رہائی بھی دے، اس سے پہلے کہ جب تو رہائی بھی دے، ہاتھ میں دے قلم روشنائی بھی دے، ہاتھ میں دے قلم روشنائی بھی دے۔ اور خاص طور سے شعر میں آپ تمام نوجوانوں کو نظر کرتا ہوں، دیکھیں بھائی خوبصورت شعر، آپ نوجوانوں کی نظریں۔ جس سے ہر سانس میری مہک اٹھے وہ، گوری ملا صاحبہ، بڑا خوبصورت شعر ہے۔
जिससे हर सांस मेरी महक उठे वो, जिससे हर सांस मेरी महक उठे वो, जिसमें अंबर सा दस्ते है नाई भी दे, जिसमें अंबर सा दस्ते है नाई भी दे, हाथ में दे कलम रोशनाई भी दे, हाथ में दे कलम रोशनाई भी दे। और आखिरी शेर पढ़ करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इल्तिजा मत दुआ सुन लिया कीजिए, इल्तिजा मत दुआ सुन लिया कीजिए, इल्तिजा मत दुआ सुन लिया कीजिए, कोई दरगाह पर जब दोहाई भी दे, कोई दरगाह पर जब दोहाई भी दे, हाथ में दे कलम रोशनाई भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया सामिन हजरत। और अभी मेरे बाल सखा प्रकाश सायमी जी ने अपने दांतों में जगजीत सिंह साहब का जिक्र किया, तो मुझे भी एक उनकी गजल याद आई। जो कोई और है जमी पर गाई गई थी, मगर इस जमी पर दो और उस्ताद शायरों ने भी अपनी गजलें कही हैं। मुजफ्फर वारसी साहब का मतला है, मेरी जिंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है, मेरे नक्श है सरे आयना पसे सायना कोई और है। मकसूर सईदी साहब का मतला था, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आयना मेरा अक्स है पसे आयना कोई और है। तो इन्हीं गजलों को के मिसरों को मिलाकर फिल्म दिल है कि मानता नहीं मैं, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, ये गाना लिखा गया था। तो इसी जमी पर मेरी ये चौथी गजल होगी, मगर ये गजल पेश करूं उससे पहले एक कथा मेरे चचा हजूर पर नजर करना चाहता हूं। परेशा ख्वाब की तरह अक्सर बिखर जाने को दिल चाहता है, परेशा ख्वाब की तरह अक्सर बिखर जाने को दिल चाहता है, कभी तन्हाइयों से गले मिलकर मर जाने को दिल चाहता है। मेरा पता बतला न सके फिर समंदर की कोई मौज यारो, कुछ ऐसे बेनिशा पानियों से उतर जाने का दिल चाहता है। शुक्रिया। मैं नजर में हूँ किसी और की, मेरा आसरा कोई और है, मैं नजर में हूँ किसी और की, मेरा आसरा कोई और है, मेरे भेस में मेरे नाम से मुझे जी रहा कोई और है, मैं नजर में हूँ किसी और की, मेरा आसरा कोई और है, मेरे भेस में मेरे नाम से मुझे जी रहा
कोई और है मैं नजर और था कोई और है मेरे यादों में मेरे ख्वाबों में कोई और था कोई और है मेरे भेष में मेरे नाम से मुझे जी रहा कोई और है मेरे भेष में मेरे दिल रूबा मुझे ये बता कि मिटे फर्क ये किस तरह बुलाई जा फरमाए सदर साहब मेरे दिल रूबा मुझे ये बता कि मिटेगा फर्क ये किस तरह मेरे दिल रूबा मुझे ये बता कि मिटेगा फर्क ये किस तरह मेरा आईना तेरी जात है तेरा आईना कोई और है मेरा आईना तेरी जात है तेरा आईना कोई और है मेरे भेष में तेरे नाम से मुझे जी रहा कोई और है मुझे आज देख के एक नजर तूने ऐसे फेरी क्यों नजर मुझे आज देख के एक नजर तूने फेरी ऐसे क्यों नजर मुझे आज देख के एक नजर तूने फेरी ऐसे क्यों नजर मुझे सच बता मेरे हम नवा तेरे दिल में क्या कोई और है मुझे सच बता मेरे हम नवा तेरे दिल में क्या कोई और है मेरे भेष में मेरे नाम से मुझे जी रहा कोई और है मक्ता पेश करूंगा मुलायजा फरमाए ये लगी है दिल की बड़ी बुरी नहीं सागर इसकी दवा कोई ये लगी है दिल की बड़ी बुरी नहीं सागर इसकी दवा कोई वो है आरजू किसी और की उसे मांगता कोई और है वो है आरजू किसी और की उसे मांगता कोई और है मेरे भेष में मेरे नाम से मुझे जी रहा कोई और है मैं नजर में हूँ किसी और की मेरा आसरा कोई और है मेरे भेष में मेरे नाम से मुझे जी रहा कोई और है शुक्रिया इम्तियाज भाई ये मेरी बहुत ही पुरानी गजल है करीब मुझे लगता है 15 साल 16 साल पहले की
आप सबको नजर करना चाहता हूँ। गम कुछ नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं किया, गम कुछ नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं किया, बल्कि खुशी ये है कि मैं तेरे बगैर जिया, बल्कि खुशी ये है कि मैं तेरे लिए जिया, गम कुछ नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं किया, गम कुछ नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं किया, बल्कि खुशी ये है कि मैं तेरे लिए जिया। अनजानी राह और भी अनजान हो गई, अनजानी राह और भी अनजानी हो गई, ऐसे में कोई अपना मुझे छोड़ चल दिया, ऐसे में कोई अपना मुझे छोड़ चल दिया, बल्कि खुशी ये है कि मैं तेरे लिए जिया। ये रात आज की न मिलेगी कभी हमें, ये रात आज की न मिलेगी कभी हमें, इतना पीला कि बेखुदी जाए न साकिया, इतना पीला कि बेखुदी जाए न साकिया, बल्कि खुशी ये है कि मैं तेरे लिए जिया, बल्कि खुशी ये है कि मैं तेरे लिए जिया। इतना में ही मैं शुक्रिया।